हेलो वेलकम टू द ऑटोमेटा ट्यूटोरियल इस ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ डाउन ऑटोमेटा तो ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन इज एन इनफॉर्मल नोटेशन ऑफ हाउ अ पी डी ए आई इनपुट स्ट्रिंग एंड मेक्स अ डिसीजन दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टपल क्यू डब्ल्यू एंड एस वेअर क्यू इज़ द करेंट स्टेट डब्ल्यू इज द इनपुट रिमाइंडिंग टेप एंड एज इज द स्टेक कंटेंट एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमारे पास लैंग्वेज है ए टू दी पावर एन एंड बी टू दावर एन ये क्या है ये कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज है सच दैट एन इज़ ग्रेटर दैन जीरो यानी कि जो एन की वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी एट लीस्ट एक ए और एक बी ही होंगे अगर हमने कंसिडर करी है कि स्ट्रिंग ए टू दी पावर थ्री एंड बी टू दी पावर थ्री और जो स्ट्रिंग है अगर इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये ए ए ए एंड बी 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 तो ये हमारी क्या होगी इनपुट स्ट्रिंग अब अगर हमने ये जो इनपुट स्ट्रिंग है इसे एक इनपुट टेप के ऊपर इंसर्ट कराया और फाइनाइट स्टेट मशीन से हमने क्या करा पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करा स्टैक में तो इस केस में हमें बस सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले ए को पुश कराना है एंड बी के अकॉर्डिंग ए को क्या कर देना है फिर पॉप कर देना है तो ऐसे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी काउंट हो जाएंगे ईजिली इसका जो डी था वो कुछ इस तरह से था जब हमने पी के बारे में डिस्कस करा था देन अकॉर्डिंग टू क्यू डब्ल्यू एंड एस इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन अगर हम इसका डिफाइन करेंगे तो Q0 पे हमारे पास इनिशियली क्या है स्ट्रिंग है ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी और इस्टेक में क्या है हमारे पास जेड नाट लेकिन जब हम Q1 पर जाएंगे तो फिर क्या होगा एक एक कंज्यूम हो जाएगा और वो किस में चला जाएगा वो पुश हो जाएगा इस्टेक में तो स्टैक में अब हमारे पास क्या है ए जेड नोट अब अगर हम क्यू वन पर ही हैं और जो भी ए आ रहा है तो फिर वो क्या हो रहा है पुश हो रहा है किस में स्टैक में तो स्टैक में अब हमें क्या मिल जाएगा ए ए जेड नोट फिर से भी हम क्यू वन पर ही रहेंगे तब फिर क्या होगा एक और ए पुश हो जाएगा किस में स्टैक में अब Q2 पर जो एक B है वो क्या हो गया वो कंज्यूम हो, हो गया और एक A स्टैक में से क्या हो गया पॉप हो गया Q2 पर फिर से B आ रहा है तो फिर स्टैक में जो A है वो क्या हो गया पॉप हो गया Q2 पर अब हमें क्या मिलेगा नल मिलेगा और स्टैक में हमें क्या मिलेगा जेड नोट अगर इसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि Q0 पे हमारे पास क्या था ये स्ट्रिंग थी और जेड नॉट था जब हम Q1 पर पहुंचे तो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी उसमें से एक एक कंज्यूम हो गया और वो क्या हो गया पुश हो गया स्टैक में Q1 पर ही एक ए और कंज्यूम हो गया और वो क्या हो गया स्टैक में पुश हो गया फिर से Q1 पर जो भी ए था वो क्या हुआ कंज्यूम हो गया और वो पुश हो गया जब हम Q2 पर पहुँचे तो जो B था वो क्या हो गया कंज्यूम हो गया और जो A था वो पॉप हो गया Q2 पर ही B भी कंज्यूम हो गया और जो A था वो भी क्या हो गया पॉप हो गया अब Q2 पे हमें लास्ट क्या मिलेगा नल मिलेगा और जो स्टैक होगा उसमें रेड डॉट मिलेगा जो ये वाला साइन है इसे हम क्या बोलते हैं टर्न स्टाइल नोटेशन होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर लिंकड पर कनेक्ट हो सकते हैं थैंक यू